रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्वेश्चन ये है कि आपके पास सपोज एक कारपेट है, एक कारपेट एक सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है वो अभी कितना है, वो आर है। कारपेट किसी ने खोल दिया तो वो रोल करना स्टार्ट हो गया, खुलता जा रहा है खुलता जा रहा है, तो अब वो मूव कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में है, तो उसका जो रेडियस है वो छोटा छोटा होता जा रहा है और कभी ना कभी किसी इंस्टेंट पर रेडियस कितना हो गया, आर बाय टू। जब इसका रेडियस आर बाय टू हुआ उस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी, ये क्वेश्चन है। तो रेडियस कितना है अभी, आर, खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है, आर बाय टू, तो आर बाय टू के इंस्टेंट पर उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज, इसका मास अगर एम है तो जो सिलेंडर है उसकी लेंथ मान लो एल है, एल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, कारपेट छोटा हो कारपेट बढ़ाओ, रेडियस छोटा हो बढ़ाओ, कारपेट की लेंथ विल रिमेन सेम। तो कारपेट के अंदर जो मास है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर वॉल्यूम इस कारपेट का पाई आर स्क्वायर एल था तो मास कितना था इसका, एम, अगर वन है तो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, और अगर इसका रेडियस आर की जगह कितना हो गया, आर बाय टू, तो वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर बाय टू का होल स्क्वायर इनटू एल, तो मास कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मास क्या आएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा एम बाय फोर। तो इसका मतलब जब रेडियस आर था तो मास एम था, जब रेडियस आर बाय टू है तो मास एम बाय फोर हो गया, तो मास निकालना आ गया सबको। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये सिलेंडर ऐसा था तो इसका रेडियस आर था और थोड़ी देर बाद रेडियस आर बाय टू है, तो मास होगा कहाँ पर, मास होगा सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले कहाँ पर है, यहाँ पर है एट अ हाइट ऑफ आर, फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ गया, एट अ हाइट ऑफ आर बाय टू, ऐसे हुआ सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया क्योंकि रेडियस छोटा छोटा होता जा रहा है, कारपेट छोटा हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो भी टोटल एनर्जी थी, टोटल में क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, और इस पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का सम विल रिमेन सेम। तो मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रही होगी, एम जी इंटू आर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास पड़ा हुआ है एम, तो एम मास सेंटर ऑफ मास पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी आर। काइनेटिक यहाँ पर जीरो, रोटेशन यहाँ पर है ही नहीं इनिशियली, तो दोनों एनर्जी काइनेटिक की जीरो। अब क्या हुआ, ये सिचुएशन आ गई, इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसका मास कितना है, m by 4, तो m by 4 into g into r by 2, m by 4 into g into r by 2, और रोटेशन की एनर्जी कितनी है, half i omega square, और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में है, तो फॉर्मूला क्या है, half into m by 4 into v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो ये ट्रांसलेशन, ये रोटेशन, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो m dash की जगह यहां पर m by 4, m by 4, और यहां पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करेंगे यहां पर इसका i, तो आई की जगह क्या पुट करेंगे, सिलेंडर का आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, पर मास क्या पुट करेंगे, एम बाई फोर, और रेडियस क्या पुट करेंगे, आर बाई टू, क्योंकि यहाँ पर मास एम बाई फोर है और रेडियस कितना है, आर बाई टू। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपको वी सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो रोलिंग के अंदर ये सिलेंडर रोल कर रहा है, रोलिंग के अंदर वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर बाई टू इंटू ओमेगा, वैसे फॉर्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा, पर इस इंस्टेंट पर रेडियस r नहीं है, रेडियस कितना है, r बाय 2, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2v सेंटर ऑफ मास बाय r। तो जहां जहां आपको ओमेगा दिख रहा होगा वहां रिप्लेस कर लेंगे 2v सेंटर ऑफ मास बाय r। इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v सेंटर ऑफ मास, ऐसे कैलकुलेशन करते रहना आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन का, ये समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, इसमें पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा इसमें।